का सियासी इस्तेमाल। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पार्टी राज्यसभा सांसद के मुंबई स्थित निवास पर ईडी की छापेमारी और घंटों चली लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लेने का समाचार सुनते ही शिवसेना जम्मू के छन्नी चौक पर धरना प्रदर्शन कर रही है, जहां हाथ में पोस्टर लेकर ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो, ईडी की आड़ में दादागिरी बंद करो, विपक्ष की आवाज दबाना बंद करो, ईडी का खेला बंद करो जैसे नारे लगाकर अपना विरोध जाहिर कर रही है। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा है कि तमाम गैर भाजपाई राज्यों में ईडी की बढ़ती सक्रियता इस ओर इशारा करती है कि ईडी की आड़ में भाजपा की केंद्र सरकार जमकर सियासी फायदा उठा रही है। साहनी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी सरकार की लोकप्रियता से घबराकर पहले सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और नाकामयाब होने पर जांच और अन्य एजेंसियों और पैसे के दम पर शिवसेना के नेताओं को बागी बनने पर मजबूर किया जाता है। साहनी ने यह भी कहा है कि भाजपा की ये दादागिरी लोकतांत्रिक देश के लिए चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही ये भी बताया है कि संजय राउत की सच्ची आवाज को एजेंसियों के दम पर दबाया नहीं जा सकता, वो हर चुनौती से लड़ने और करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखते हैं जम्मू से हमारे संवाददाता विनीत की ये पूरी रिपोर्ट। आज महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, एक कदवार नेता हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद हैं संजय राउत साहब, उनके ऊपर लगातार जो है ईडी का जोर डाला जा रहा है, ईडी का शिकंजा लगातार उनके ऊपर कसा जा रहा है। उनकी सच्चाई को, नाइंसाफी के खिलाफ जो वो आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, एक झंडा अकेले लेकर चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह से कई घंटों ईडी उनके घर के अंदर रही, उनको हिरासत के अंदर ले लिया गया, जिसको लेकर तमाम शिव सैनिकों में जम्मू कश्मीर इकाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है। आज हम सड़कों पर हैं और ईडी का जो सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं यहाँ पर सड़कों पर उतर के। हम प्रधानमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि गैर भाजपाई राज्यों पर, गैर बीजेपी नेताओं पर जो ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनको जो है प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वे किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर पूर्ण विराम लगाया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सच्चा शिव सैनिक, माननीय बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक ना डरेगा ना झुकेगा और अपनी आवाज़ बुलंद रखेगा।